हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे वन मार्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो पहला हमारा क्वेश्चन है, हमको प्रूव करना है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लाना है, वन लाना है। तो हम LHS लेके चलते हैं। तो आपके LHS में क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमको पता है कि जो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, इस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। अब आइदर या तो आप कॉस को चेंज कर लो या फिर आप सेक को चेंज कर लो, क्योंकि इन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। तो हम कॉस स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं। हमको पता है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वन अपॉन में सेक थीटा। तो अगर कोस स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, तो आपका कितना बचा, वन। तो आपका LHS कितना आया, वन, और RHS भी कितना है हमारा, वन। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, RHS। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लाना है आपको, वन लाना है। अब हमको पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर दें, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। अब हमको पता है कि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वन अपॉन में कॉस थीटा। अगर आप कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करते हो तो क्या आता है आपका, सेक थीटा आता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर कैंसल, तो हमको वन लाना था, तो वन इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, वन। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS, हैंस प्रूफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट वाला। यहाँ पे दे रखा है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू वन। तो हमको एक आइडेंटिटी पता है कि जब a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़। अब देखो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लाना है आपको, 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लाना है आपको, 1। अब हमको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरा हमको पता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लाना है आपको, वन। अब हमको पता है कि जो सेक थीटा है वो होता है वन अपॉन में कॉस थीटा, मतलब आप कॉस थीटा को अगर रेसिप्रोकल करते हो तो क्या आता है, सेक थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, तो यहाँ से हो जाएगा वन इक्वल्स टू वन। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला, हमको यहाँ पे दे रखा है टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू। अब देखो हमको पता है कि जो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आपको क्या लाना है, टू लाना है। तो यहाँ से हो गया टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब देखो हमको ये भी पता है कि वन अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब हम कोसेक का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, साइन। तो इस हिसाब से हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, टू। अब अगर आप यहाँ पे देखो दोनों में से टू क्या ले लो आप, कॉमन, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना, टू।
अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो इसकी जगह पे आप क्या रख लो, 1। तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 वन जा 2 इक्वल्स टू 2, तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, RHS। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। यहाँ आपको हमको दे रखा है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, 1। अब हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 1। अब कॉट थीटा जो होता है, अगर हम टेन को रेसिप्रोकल कर लें, मतलब 1 अपॉन में टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो इस कॉट थीटा की जगह पे क्या रख लो, 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कैंसल, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, RHS। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। हमको यहाँ दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमको पता है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर थीटा। तो हम इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या रख दें, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर। तो अगर इसको मुझे कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बनाना है तो मुझे माइनस साइन क्या लेना पड़ेगा, कॉमन। तो जब आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कितना, माइनस 1। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 1। अब टेन स्क्वायर, तो टेन थीटा हमको पता है कि ये क्या होता है, 1 अपॉन में कॉट थीटा। तो टेन स्क्वायर की जगह रख दो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा की जगह रख दो 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कैंसल, तो हमारा इधर क्या बचा, माइनस 1। और राइट हैंड साइड में भी क्या है, माइनस 1। तो LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पे हमको दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। आपको इसको या तो सिंप्लीफाई करना है या इवेल्यूएट करना है। तो यहाँ पे देखो दोनों में से 9 क्या आ रहा है, कॉमन। तो 9 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब हमको पता है कि जो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पे क्या रख देंगे, 1। तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 9। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब हमको ये दोनों आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर ए। और सेकेंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या रख दो, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख दो आप, कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि जो सेक ए होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक जो होता है वो होता है 1 अपॉन में साइन। तो जो कोसेक स्क्वायर ए है इसकी जगह पे क्या रख दो आप, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन, मतलब फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन का मल्टीप्लाई, सेकंड और फर्स्ट का मल्टीप्लाई। तो साइन स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर ए। अब हमको पता है कि टेन ए इक्वल्स टू होगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो इस साइन ए अपॉन कोस ए की जगह पे क्या कर दो, टेन ए। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या लगा दो, स्क्वायर। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अब हम देखते हैं हमारा 1 मार्क का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर किसी पे नहीं है, तो जब तक स्क्वायर नहीं होता है तब तक हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो तीनों आइडेंटिटीज है उन तीनों पे क्या आता है, स्क्वायर आता है। जैसे अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
बट यहाँ पे किसी के ऊपर भी स्क्वायर नहीं है। तो हम सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, इन सभी को साइन और कोस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस 10 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और माइनस कोसेक क्या होता है आपका 1 अपॉन में साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो देखो सभी कॉस थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। तो देखो कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, कितना हो जाएगा 1। एस इट इज इधर क्या एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई साइन प्लस कॉस माइनस 1, सॉरी माइनस क्या आ गया हमारा 1। अब देखो यहाँ पे इस पूरे को हम ए कंसीडर करेंगे, इसको बी, ये पूरा ए और ये बी। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए की पोजीशन पे साइन प्लस कोस, यहाँ पे भी क्या है साइन प्लस कोस, तो ए का स्क्वायर मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और बी की जगह पे कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा का इनटू किस में साइन थीटा में। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में क्या है आपका कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा इनटू साइन थीटा, तो प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गए कैंसल, तो हमारा क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। तो यहाँ देखो साइन थीटा कैंसल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 2। तो ये थे हमारे 1 मार्क के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो के लास्ट में मैंने और कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप उन्हें ज़रूर सॉल्व कर लें।